हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जेंट्स अंडरवियर बनाना सिखाऊंगा। ये अंडरवियर उन लोगों के लिए जो कि रेडीमेड अंडरवियर पहनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सिले हुए अंडरवियर पहनना पसंद करते हैं। तो इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके और स्टिचिंग करना सिखाऊंगा। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं कपड़ा नाप के दिखा देता हूँ, उसका अरस दिखा देता हूँ। तो कपड़ा है दोस्तों हमारा ये 39, यानी कि 1 मीटर हमारा कपड़ा है। अरस दोस्तों डबल में कपड़ा है ये, और आप इसे नापें, यह 17 यानी कि 34 इंच का दोस्तों अरस है। अब मैं इसको इस तरीके से, देखिए डबल में ये वाला जो हिस्सा है, हमें डबल में इस तरीके से मिला लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद मैंने नाप, एक अंडरवियर था मेरे पे पुराना, ठीक है, जिसका ये बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नाप दिया था और मैंने नाप यहाँ पे लिख लिया है। और मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे, सबसे पहले ये पुराना अंडरवियर है, इसमें आप देख सकते हैं जेंट्स अंडरवियर है पुराना। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम नापेंगे लंबाई। तो यहाँ लंबाई दोस्तों कितनी है, 16.5, यहाँ पे लिखा लंबाई 16.5। उसका दोस्तों ये है मोरी, ठीक है, जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, तो हम इसको नापेंगे। तो दोस्तों इसमें हम इसको नापेंगे, तो ये हो गया हमारा 13। तो हमने डबल में 13 यहाँ पे लिख दिया मोरी को 13। अब ये है दोस्तों घेरा, जी बना रखा, यानी घेरा ये है 14.5 इंच, ठीक है। तो ये मैं नाप के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नाप लेना है। अब घेरे के लिए दोस्तों हमें ऐसे रखना है, और ये सेंटर वाले हिस्से से इंची टेप रखना है और ऐसे नापना है। तो दोस्तों घेरा कितना आ रहा है, दोस्तों घेरा आ रहा है 14.5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों ये आसन, जो कि मैंने 13 लिखा है, तो आप ये नॉर्मल दोस्तों 14 भी कर सकते हो, जेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी नाप सकते हो, जैसे ये वाला डबल में आप पकड़ लेंगे ना, यहाँ से आप डबल में पकड़ लो, और पकड़ने के बाद इसको इस तरीके से नाप लें। तो दोस्तों ये देखिए 13 इंच का आसन आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आसन 13 इंच। अब ये कटिंग कैसे होगा, तो ये हम हटा देते हैं और ध्यान से आप यहाँ पर इसको देखें। अब मैंने डबल कपड़ा था ये, दोस्तों आप देखेंगे 4 तय हो चुकी है, 1, 2, 3, 4। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ करी है, बहुत ही ईजी है दोस्तों बनाना। आप अगर घर में आपके भी कोई ऐसे पहनता हो, सिले हुए पसंद करता हो, तो आप इस वीडियो को देख के ईजी बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले लंबाई नाप के देख लेनी है। मान लीजिए हम 2 इंच का हम रखते हैं, तो यहाँ पे हम 2 इंच के बाद ऐसे नापेंगे लंबाई 16.5। तो ठीक है, फोल्ड करने के लिए हमारे पे मार्जिन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये फुट्टे को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, 1/2 इंच का ऐसे मार्जिन छोड़ के इतना हम इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब निशान लगाने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे लंबाई, जो कि है 16.5। हम यहाँ पर इसे ऐसे करके 16.5 पे निशान लगा लेते हैं, और इसको जो है अपने सीधे फुट्टे की मदद से सीधा निशान ऐसे दोस्तों लगा लेते हैं, ठीक है। अब लगाने के बाद यहाँ पे घेरा है 14.5, तो हमें 15 इंच का ऐसे निशान लगाना है, और 15 इंच का निशान यहाँ पे भी हमें लगाना है, और इन दोनों निशानों को सीधे फुट्टे की मदद से सीधा निशान उठा लेना है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये वाला निशान यहाँ पे लगा लिया। इसके बाद ये देखिए, लंबाई 16.5 थी, यहाँ पे 16.5 निशान लगा लिया, घेरा 14.5 था, हमने घेरे का निशान लगा लिया 15, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पे दबाव आ जाएगा। अब नीचे लगाना है मोरी, ये जो 13 लिखी है, तो ये बंद वाली साइड है, तो हमें डबल में ही रखना है, ये डबल में हमने नापा था। तो 13 है, तो हम इस तरीके से दोस्तों 13 है, तो हम 13.5 इस तरीके से निशान लगाएंगे 1/2 इंच दबाव में। अब हमारे को आसन रखना है, तो आसन भी हमने 13 नापा था, लेकिन हम यहाँ पर जो आसन है 13.5 रख लेते हैं, कॉटन है, तो लंबाई वगैरह अगर कम हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसन छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 13 13.5 पर निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो 14 पर भी निशान लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 14 पर निशान कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो निशान था मोरी का, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं, आप देख सकते हैं हमने ऐसे मिला दिया। अब इसे करेंगे हम कटिंग। अब देखिए दोस्तों, कटिंग करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो अंडरवेयर हम आपको बनाना बता रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, आप सीधा भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास इतना लंबाई में कपड़ा है जिससे कि आपकी म्यानी निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर म्यानी निकालनी जरूरी है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें यहाँ पर म्यानी निकालनी होगी इस जगह से, तो हम ऊपर की साइड से ध्यान से देखिए, तकरीबन जो हमने निशान लगाया था इस साइड से हल्का सा दोस्तों इस तरीके से तिरछा कर लेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। अब मैं देखिए इसे ऐसे कटिंग करूँगा, और अब इस निशान पे दोस्तों सीधे नीचे तक आऊँगा कटिंग करते हुए, और इस जगह पर हम ऐसे कटिंग करेंगे, और यहाँ पे मोरी फोल्ड होगी, तो हम इसको ऐसे दोस्तों कटिंग करके हटा लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसको हम करेंगे ऐसे कट, यहाँ से हमारा जो है फोल्ड हो जाएगा नीचे बॉटम,
मतलब मोरी, ये वाला जो है हम लगाएंगे कट नेफा फोल्ड करने के लिए, और सेंटर में से कैंची की मदद से इसको कर लेंगे हम कटिंग। ये तो दोस्तों कटिंग हो गई, इसको हम हटा देते हैं। अब काटेंगे हम मियानी। तो जो ये साइड में से ऊपर से कपड़ा बचा है, इसको हम चारों पल्लों को एक बराबर ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए ये वाला हिस्सा है ना, इसको बिल्कुल एक बराबर ऐसे आपको मिलाना है। ये हमने इसको इस तरीके से मिला लिया। अब मिलाने के बाद आपको कितनी मियानी रखनी है, जैसे कि मैं इसके अंदर 7.5 इंच पे लगाऊंगा, तो हम इसे ऐसे कटिंग करेंगे। और ये वाली जो साइड है, इसको हम यहाँ तक इस तरीके से दोस्तों कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद इधर हम हल्का सा बिल्कुल मामूली एक पैर का राउंड दे देंगे, तो यहाँ पे जोड़ लगेगा मियानी में, मियानी हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये जो कपड़ा बचा है दोस्तों, ये हमारा वेस्ट है। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इसके लिए मशीन पे चलते हैं और आपको ये स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाते हैं। अब दोस्तों बनाने के लिए हम इसमें एक पल्ला लेंगे, ठीक है। एक पल्ला हम आपको बता देते हैं कैसे तैयार होगा। ये निशान वाला ले रहे हैं, जिससे कि आपको पता रहे। ये ऊपर की साइड, ये आपका निशान वाला नेफे की साइड वाला था, तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। देखिए वो एक साइड से इधर ये हमारा कट है, ध्यान से आप देख सकते हैं कि कट है हमारा। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर लगाएंगे इस तरीके से सिलाई, ठीक है। आपको सिलाई यहाँ पे लगानी है और इसको इतना इस तरीके से तिरछा करके एक सिलाई लगा देनी है, तो यहाँ पे इसको उतार लेना है। सेम आपको इधर वाली जो साइड सिलाई है, इधर नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है सिलाई, और ऊपर की तरफ में आपको ये उतार देना है। उसके बाद ये जो हमारा कट था, देख रहे हैं आप जो निशान वाला हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको धारी से धारी मिला के इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई, नेफा करेंगे पक्का। और बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से हमें ये नेफा है फोल्ड करना पूरा इक्वल। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये वाला एक हिस्सा, जिससे कि आप दूसरा जल्दी बना लें। इस तरीके से आपको इक्वल फोल्ड करना है। यहाँ पे कट है, इस कट को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से 1/2 इंच का ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे करेंगे। देखिए इक्वल आ गया। अब हम सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे और इसको उतार देंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम इसको हम कटिंग कर लेंगे धागे को। अब आपका जो नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान से देखिए, इसको हम जो हमारा नीचे फोल्ड वाला हिस्सा है, इसको हमने तिरछा कटिंग करा था ताकि फोल्ड में आसानी रहे। इसको हम ऐसे करके एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर लगाएंगे हम सिलाई। और दोस्तों इक्वल आपको इसे पलट लेना है सेम। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नीचे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, हमें इसे कर लेना है कटिंग, इधर से भी और इधर से भी। और ऊपर हमारा ये नेफा हमने पलट लिया था, इसे धागे वगैरह कटिंग कर लेंगे। सेम दूसरे पल्ले को भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया। इसको भी हम नीचे से कटिंग कर लेते हैं। अब आती है मियानी की बारी। तो दोस्तों मियानी के लिए हमने देखिए कटिंग करके आपको दिखाया था, इसमें हमें दो पल्ले लेने हैं, ठीक है। एक पल्ला आपको तैयार करके मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है आपको एक पैर के मार्जिन से, क्योंकि किनारी होती है तो हमें एक पैर के मार्जिन से बारीक सिलाई से इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इसको यहाँ पे उतार देंगे, फिर इसको हम ऐसे खोलेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे क्या होता है दोस्तों मजबूती आ जाती है। इस तरीके से हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और ये फालतू इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये होगी हमारी मियानी तैयार। तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरी मियानी तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमने मियानी लगा लिए, आप देख सकते हैं दोनों मियानी तैयार हैं। अब हमें एक पल्ला लेना है इसमें से। जैसे ही पल्ला ले लिया, ये साइड हमारी सीधी है तो सीधी साइड में हमें ऐसे रखना है, और ये हमारी उल्टी साइड है। सीधी साइड को हम इतना निकालेंगे 1/2 इंच के आसपास मियानी को, और इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई इस तरीके से, हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। हल्का पक्का करके इसे उतार देना है और फिर इसको हमें ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। ये लग गई सिलाई और इसको यहाँ उतार देना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी एक मियानी लग चुकी है।
अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये धागे वगैरह जो भी हैं आप इसे कटिंग करके सेट कर लें ताकि दिक्कत ना दें। ये देखिए, अब हमें दूसरा पल्ला लेना है और उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। ये देखिए सीधा है तो हमें सीधा मिला के ऐसे रखना है, नेफे की तरफ से मिला के। और मिला के रखने के बाद नेफे वाली जो साइड है तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। इसको ऐसे करके दोस्तों ऐसे यहाँ पे पक्का करेंगे और यहाँ पर एक बराबर ऐसे मिला के इसे सिलाई लगाएंगे। और इसको जो है आपका ये वाला जो निशान है ना मियानी का, इससे 1/2 इंच नीचे तक लेके आना है। देखिए मैं उंगली रख लेता हूँ याद के लिए। यहाँ पे रखने के बाद अब इसको ऐसे याले हिस्से को ऐसे करना है और याले हिस्से को ऐसे मिलाना है और इसको हल्का सा ऐसे खींचेंगे तो ये आपकी सिलाई के लिए जगह बना लेगा। अब बिल्कुल दोस्तों आप ऐसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ भी हमारी मियानी उतनी ही निकलेगी जितनी हमने यहाँ पे निकाली थी। इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे, इसको उतार लेंगे। अब जो भी फालतू कपड़ा आपको लगे हल्का फुल्का धागे वगैरह इसको कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद अब इधर जो मियानी हमने लगाई है तो इसको ओपन करेंगे और इसको अंदर की साइड में करेंगे सारा मार्जिन। यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई, ठीक है। ये सिलाई इसमें ज़रूर लगती है जो हम बनाते हैं यहाँ पर अंडरवियर, इसमें ऐसे सिलाई लगानी है। इसके ऊपर जो सिलाई से मियानी अटैच करी थी इसी के ऊपर सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपको नेफे तक लेके आनी जहाँ से स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से उतार देना है, ठीक है। ये उतर गया तो एक तरफ का आपका ये मियानी इस तरीके से लग जाएगी। अब दूसरी तरफ के लिए आपको ये ऐसे पकड़ना है, देखिए ऐसे पकड़ लिया हमने, इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ वाली साइड में हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस मियानी को हमें अब नीचे की तरफ से लगाना है। इसको हम ऐसे करके उतना ही निकालेंगे 1/2 इंच, यहाँ पे लगाएंगे सिलाई और इसके बाद इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इस हिस्से को हम ऐसे करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जो मियानी पर सिलाई लगाई थी ना, सारा कपड़ा इधर करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ऐसे, अब सिलाई लगाने के बाद हमें ये जो है इस तरीके से मिलाना है। अब मिलाने के बाद दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी ना, सेम आपको इधर वैसे ही दोनों सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर भी मियानी लगा ली थी और यहाँ पर भी हमने मियानी लगा ली। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ऐसे पकड़ा है ना, अब इसको ऐसे कर लेंगे। तो देखिए ऐसे करने के बाद ये नेफे वाली जगह आप देख सकते हैं, ईजी आपकी नेफे वाली जगह दिखती होगी। इसको हम ऐसे करके अब नीचे वाली साइड से हमें जोड़ना है आसन वाला हिस्सा, आप देख सकते हैं ऐसे होगा। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है, पक्का करना है। पक्का करने के बाद इसको एक बराबर मिलाते हुए मियानी को सिलाई लगानी है और इसको भी ऐसे पकड़ के रखना है। ये सिलाई आप देखिए ध्यान से, पूरी सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें मजबूती से। यहाँ पे कर लेना पक्का। पक्का करने के बाद इसको यहीं से ही फिट वाला दोस्तों इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगानी है। देखिए ऐसे करके यहाँ पक्का करके उतारेंगे। अब करेंगे इसके धागे को कटिंग। अब ये जितना भी फालतू मार्जिन आप देख रहे हो ना, इसको हमें करना है कटिंग इस तरीके से। ये मार्जिन सब फालतू कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद एक तरफ सारा मार्जिन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, पक्का करना है और ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे ओपन करते हुए इसके ऊपर लगानी दोस्तों सिलाई। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ जो हमने जोड़ा था उस जगह पर आने के बाद हमें पक्का कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें पक्का करना है और उसके बाद इस धागे को हम हटा लेंगे। और अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सीधा करने के बाद यहाँ पे जो है अंडरवियर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये होते हैं जो घर पे सिलाई करके कई लोग पसंद करते हैं, नाड़े वाला अंडरवियर। तो ये वो अंडरवियर है, आप आराम से बना सकते हैं। मेज़रमेंट है तो मेज़रमेंट लेके बना सकते हैं। अगर मेज़रमेंट नहीं है और किसी आपको हैवी इंसान का बनाना है तो आप पूरा मतलब रख लेंगे कपड़ा अलग का, जितना मैंने आपको दिखाया था। और इसी तरीके से दोस्तों आपको लेना है आसन का हिस्सा, आप थोड़ा बढ़ा लें तो बिल्कुल परफेक्ट। देखिए अंडरवियर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसे लगेगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।